ये देखिए। रज्जू रानी, एक बात कहें, आपके चेहरा पे ना ये खुशी देखते बन रहा है, बहुत खुश है ना? सैया जी, अब आपको हम कहा बताएं, हम ना बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और खास करके जब से वो जो सृष्टि है, जो खूनी सृष्टि, उसको जब से वो बंदी बनाया है ना, कसम अंजलि ना जूली का, हम ना बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हो गए। अब देखना सैया जी, हम ना हमारा शादी का तैयारी ना बहुत ही आराम से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे हाथों पे ना ये लीजिए, नेल पेंट लगा दीजिए ना। सैया जी, आप भी ना क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइए, आपसे तो नेल पॉलिश ना खोला भी नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ना नेल पॉलिश ना खुद ही लगा लेंगे। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अभी के अभी सृष्टि बहू को उसके घर छोड़ाओ। किसी की भी बेटी को अपने घर में जंजीरों में बांध कर रखना, ये सब आपको ठीक नहीं लग रहा है। अरे, कितना जिम्मेदारी के साथ हम पुरुषोत्तम बाबू से उनकी बेटी मांग के लाए थे, उसको इस हालत में रखने से तो अच्छा है कि उसे उसे उसके घर छोड़ दिया जाए। ससुर जी, हम एक बात दोहराना चाहेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सृष्टि और देवर जी के लिए एकदम ही सही है। अगर आज हमने सृष्टि को नहीं रोका ना, तो उसका खूनी बनने में हम सभी का संयोग माना जाएगा, और भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया, तो फिर आप सृष्टि के बाबूजी के सामने कैसे खड़े होंगे? हमें सृष्टि को ना इस बीमारी के हालत में गुनहगार बनने से बचाना होगा, तो इसलिए अच्छा यही होगा कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो यहीं इसी घर में हम सबके सामने रहे। तुम सही कह रहे हो बहू, हम हमारी बात से पूरी तरह से सहमत भी हैं, पर किसी को भी इस तरह जंजीरों में बांध के रखना सही है कहा बेटा? वैसे भी आने वाले समय में ना चाहते हुए भी इस घर में शादी का माहौल होगा। एक तरफ बहू का ये हाल, उधर ब्याह का तैयारी, मत कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ससुर जी, आप एकदम ही चिंता मत कीजिए, हमने ना उसे कमरे में बंद कर दिया है, ताकि ताकि हम में से किसी को तकलीफ ना हो। हम बस यही चाहते हैं कि आप दोनों इस बात को समझिए और हमारा साथ दीजिए।